नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजभवन में बुधवार को दोपहर 2 बजे शपथ लेंगे नीतीश कुमार, 8वीं बार संभालेंगे बिहार की कमान। चिराग पासवान ने की बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, कहा नीतीश ने दोबारा किया जनादेश का अपमान। बेतिया के 4 डिग्री कॉलेजों की मान्यता हो सकती है खत्म, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पेंडिंग है राशि। पटना यूनिवर्सिटी में फिर शुरू होगी इंटर की पढ़ाई, एकेडमिक काउंसलिंग से मिली मंजूरी। बिहार में स्नातक उत्तीर्ण लड़कियों को प्रोत्साहन राशि देने का बदलेगा नियम, अब नहीं रहेगी ये बाध्यता। बिहार की राजनीति में एक बड़ा घमासान मच गया है। यहां सत्ता पर काबिज जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन अब टूट गया है। अब नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। बुधवार की दोपहर 2 बजे राजभवन में नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज शाम 4 बजे राजभवन में नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें कि नीतीश कुमार बिहार में 22 वर्षों से बतौर मुख्यमंत्री है। इससे पहले उन्होंने 7 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अब इस बार यह 8वां अवसर होगा जब नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की कमान संभालेंगे। नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री बने थे। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उनके पास बहुमत नहीं था और मात्र 7 दिन बाद ही उनकी सरकार गिर गई थी। उसके बाद उनका दूसरा कार्यकाल 24 नवंबर 2005 से शुरू हुआ और एक मुख्यमंत्री के रूप में उनका यह कार्यकाल 24 नवंबर 2010 तक चला था। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से नाता तोड़कर और बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने पर नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना की है और आरोप लगाया है कि उन्होंने दूसरी बार राज्य की जनता द्वारा दिए गए जनादेश का अपमान किया है। चिराग पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने और नए सिरे से चुनाव कराए जाने की मांग कर दी है। बिहार में नीतीश के इस्तीफे के बाद तेज हुई राजनीतिक हलचल के बीच चिराग पासवान अब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि भगवा दल ने वह सब स्वीकार किया जो मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार चाहते थे। उन्होंने कहा कि यहां तक कि भाजपा ने उनके लिए अपनी नीतियों तक से समझौता कर लिया। चिराग पासवान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जनादेश का अपमान किया है। उन्होंने जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता खो दी है। यह मजाक है क्या? एक बार फिर आप किसी के साथ सरकार बनाते हो और दूसरी बार किसी और के साथ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का हिसाब लटकाने से जिले के 4 डिग्री कॉलेजों पर मान्यता खो देने का खतरा है। 18 अगस्त 2022 तक में जिला के रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय को 80.4 लाख, MJK कॉलेज को 9,96,225, नरकटियागंज के TP वर्मा कॉलेज को 90.07 लाख और बगहा के पंडित उमाशंकर तिवारी महिला विश्वविद्यालय को 1.18 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र या ब्याज सहित रिफंड समय रहते नहीं देने पर विश्वविद्यालय प्रशासन के स्तर से अंजाम भुगतने की चेतावनी जारी की गई है। इतना ही नहीं, UGC के अधिवक्ता ने अब लीगल नोटिस जारी कर रिफंड का जवाब मांगा है। उच्च शिक्षा के जानकार सूत्रों ने बताया कि ऊपर वर्णित चारों कॉलेजों के NAC मूल्यांकन की जरूरी तैयारी के साथ माइक्रो रिसर्च व सेमिनार आदि के मद में कुल 58,66,172 रुपये का ग्रांट जारी किया गया था, जिसके विरुद्ध कुल 2,99,24,841 रुपये ग्रांट का उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा रिफंड नहीं सौंपने के मामले में पूरे बिहार के सैकड़ों कॉलेजों के साथ बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के करीब 46 कॉलेजों के जिम्मे बकाया करोड़ों का अनुदान राशि के हिसाब देने में लापरवाही और उदासीनता को लेकर 18 अगस्त के बाद मान्यता रद्द हो जाने का न्यायाधीश जारी हुआ है। पटना विश्वविद्यालय में फिर से इंटर की पढ़ाई शुरू करने पर एकेडमिक काउंसिल ने अपनी सशर्त सहमति दे दी है। साथ ही CBCS सिस्टम को भी पटना विश्वविद्यालय में लागू करने की राज्य सरकार और कुलाधिपति की स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही सोमवार को विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिलिंग हॉल में कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सम्पन्न विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिलिंग की बैठक में PhD की थीसिस के मूल्यांकन के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। पटना विश्वविद्यालय के स्टूडेंट वेलफेयर डीन प्रोफेसर अनिल कुमार ने बताया कि बिहार सरकार की तरफ से कुछ पूर्व छात्रों के पटना विश्वविद्यालय में फिर से इंटर की पढ़ाई शुरू करने के आग्रह पर एकेडमिक काउंसिल ने सुझाव मांगा था। इसके जवाब में एकेडमिक काउंसिलिंग के सदस्यों ने कहा कि सरकार ने हाईकोर्ट में एफिडेविट देकर कहा था कि सरकार चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय के कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई खत्म करेगी। सरकार के इस एफिडेविट के बाद ही पटना विश्वविद्यालय में इंटर की पढ़ाई समाप्त हुई थी। हालांकि अन्य विश्वविद्यालय के कॉलेजों में अब
भी यह चल रहा है। सरकार यदि अपने पुराने एफिडेविट को समाप्त करते हुए कहे तो एकेडमिक काउंसलिंग इसे फिर से शुरू कर सकती है, लेकिन ऐसा होने की स्थिति में सरकार को इंटर की पढ़ाई के लिए स्वीकृत लेक्चरों के सभी पदों को फिर से बहाल करना होगा। बिहार में स्नातक पास लड़कियों को प्रोत्साहन राशि देने के नियम में बदलाव होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में स्नातक पास लड़कियों को प्रोत्साहन राशि के मामले को सुनकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार स्नातक पास कन्या प्रोत्साहन राशि योजना के अनुसार हर साल 50,000 रुपये देती है। कई बार ऐसा मामला सामने आता है कि कई लड़कियों को भुगतान समय पर नहीं हो पाता है। अभी तक आवेदन करने वाली छात्राओं की विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों के माध्यम से सर्टिफिकेट की जाँच होती है, उसके बाद प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में देने का प्रावधान है। अब मुख्यमंत्री ने इस नियम में बदलाव के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों की लापरवाही के कारण प्रोत्साहन राशि भुगतान में देरी होती है। सरकार ने छात्राओं को उच्च शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए इंटरमीडिएट और स्नातक कन्या प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। इस योजना का शुभारम्भ 2018 में हुआ था। किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन पास छात्राओं को 25,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 1 अप्रैल 2021 के बाद स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के लिए योजना की राशि डबल कर दी गई है। अब 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मतदाता सूची में अब बेहद आसानी से नए मतदाता अपना नाम जुड़वा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नए दिशा निर्देश के बाद बतौर मतदाता पंजीकरण कराने के लिए वर्ष में 4 मौके मिलेंगे। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर अर्हता तिथि के तौर पर मान्य होंगे। जिस तिमाही में नए मतदाता की आयु 18 वर्ष पूरी हो जाएगी उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा। 17 साल पूरी करने के बाद युवाओं के लिए अग्रिम आवेदन की भी सुविधा अब शुरू हो गई है। उन्हें सिर्फ 1 जनवरी की अर्हता तिथि की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं रह गई है। अब से निर्वाचन नामावली प्रत्येक तिमाही में अद्यतन की जाएगी और पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है जिसमें उन्होंने 18 वर्ष की पात्रता आयु पूरी कर ली हो। पंजीकरण करवाने के बाद उन्हें निर्वाचन फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा। बैंक में नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने पीओ भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बंपर भर्ती के नोटिफिकेशन को बीती रात जारी किया गया है। जो भी लंबे अरसे से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे वे IBPS की आधिकारिक वेबसाइट IBPS.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। IBPS द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी पदों के लिए 6,432 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 अगस्त है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर सरकार पर हमलावर होते दिखे। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाते हुए महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल अर्थव्यवस्था को लेकर अपने फेसबुक और ट्विटर पेज पर एक पोस्ट किया है, जहां उन्होंने लिखा है कि यह अयोग्य सरकार देश की आय को बढ़ाने की बजाय देश की संपत्ति बेच रही है। ऐसा देखा गया है कि राजद नेता तेजस्वी यादव अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से बेरोजगारी, महंगाई समेत अन्य मुद्दों को उठाने का काम करते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने इस बार भी अपने मीडिया पर लिखा कि महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल अर्थव्यवस्था देश की सबसे गंभीर व ज्वलंत समस्या है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार जन सरोकर के इन मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती है। यह अयोग्य सरकार देश की आय बढ़ाने की बजाय देश की संपत्ति बेचकर युवाओं एवं आम जनों को भ्रमित कर कितने दिन काम चलाएगी। बिहार के 23 जिलों में मतदाता सूची में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है। इस बाबत चुनाव आयोग की ओर से नवंबर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में वैसे जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में अभियान चलाया जाएगा जहां लिंगानुपात कम है। राज्य का जनसंख्या अनुपात 918 है जबकि मतदाता सूची का लिंगानुपात 904 है। इसे देखते हुए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लिंगानुपात में हर हाल में सुधार होना चाहिए। राज्य के सिर्फ 15 जिले ऐसे हैं जहां की मतदाता सूची में जेंडर रेशियो आदर्श है, जबकि 23 जिले ऐसे हैं जहां की मतदाता सूची में महिलाओं की संख्या औसत रूप से पुरुषों से कम है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि आयोग के निर्देश को सभी जिलों तक जारी कर दिया गया है।
बिहार में अग्निपथ योजना के तहत सेना में अग्निवीरों की भर्ती होने जा रही है। ये बहाली अक्टूबर महीने से दानापुर में शुरू होगी। 7 से 23 अक्टूबर तक होने वाली भर्ती कार्यालय दानापुर स्थित चांदमारी मैदान में की जाएगी। बिहार के 7 जिलों में ये भर्ती होगी। इन जिलों में पटना, बक्सर, भोजपुर, सीवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली शामिल है। खास बात यह है कि इस भर्ती रैली में महिला उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया जाएगा। इस रैली में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अक्टूबर के बाद उम्मीदवार पंजीकरण नहीं कर सकेंगे। 18 सितंबर से अभ्यर्थियों के ईमेल पर एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड पर दी गई तिथि पर बताए गए जगह पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। अगर आप इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर